भाई यहाँ बन रहा है डोसा, वही लंगर वाला डोसा। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एडवेंचर। तो आज हम आए हुए हैं जम्मू और आज हम जा रहे हैं अमरनाथ के लिए। तो मतलब ए टू जेड आपको इन्फॉर्मेशन देंगे अमरनाथ तक की। देखते हैं कैसा रहता है। ये वीडियो में दो तीन पार्ट हो सकते हैं क्योंकि ऐसा ही सीन रहने वाला है, बहुत लंबा रहने वाला है एक हफ्ते तक का, कि वहाँ पे कैसे जाएँ, कैसे पहुँचे और क्या क्या हमको लग रहा है। मैं घर से कुछ भी नहीं लेके आया हूँ, मतलब सिर्फ एक हेल्थ चेकअप लेके आया हूँ जो मेरा बॉडी का हुआ था, उसके अलावा मैं कुछ नहीं लेके आया हूँ। अब बाकी आगे जो जो होगा वो आपको देखने को यही मिलेगा कि मैं कैसे कैसे पहुँचता हूँ, कैसे रहता हूँ, क्या सर्वाइव करता हूँ, मतलब सब कुछ ए टू जेड है। क्योंकि मुझे आगे कुछ नहीं पता है कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, बस मैंने रैंडम प्लान बनाया और मैं आ गया हूँ। ये हमारा ट्रेन है, हम इस ट्रेन से आए थे। रेलवे स्टेशन से बाहर आते ही ये पूरा रेलवे स्टेशन है, इस स्टेशन से निकल गए। अगर आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं करा रखा तो सबसे पहले आपको यहीं आना पड़ेगा। ये सरस्वती धाम बिल्डिंग है, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ऑन द स्पॉट। और इधर लंगर चल रहा है, हम लंगर खा के चलते हैं। आपको खाने पीने की दिक्कत नहीं होगी, ऐसे लंगर चलते रहते हैं। ये नंबर हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो ध्यान से देख लेना इन नंबरों के बारे में। बहुत गर्मी है यार यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी है जम्मू में। इतनी गर्मी मतलब पसीने पसीने पूरा बेकार हो गया सिस्टम। आपको सुबह 2 बजे लाइन में लगना पड़ेगा, उसके बाद आपका कहीं जाके नंबर आएगा। आपको यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं होने वाली है क्योंकि यहाँ पे लंगर वगैरह 24 आवर्स मतलब 24 घंटे चलते रहते हैं। यहाँ पे पास में बेस कैंप है जहाँ पे आपको खाने पीने रहने की कोई व्यवस्था मिलेगी पूरी। आपको जो मेन प्रॉब्लम आने वाली है वो रजिस्ट्रेशन के दौरान आने वाली है। अगर आप नहीं करवा के आएँ आपको एक हफ़्ता लग जाएगा पूरा पूरा। पहले आपको 2 बजे तक सुबह लाइन में लगना पड़ेगा, फिर आपको 4 दिन बाद तक की डेट मिलेगी। उस डेट में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आप जाने का यात्री पर्ची जो होती है वो बनेगी। ये लाइन सुबह 2 बजे से लगनी स्टार्ट हो जाती है। रजिस्ट्रेशन, ये बस मिला है हमको भगवती नगर के लिए 20 रुपये में। अब अपन चलते हैं भगवती नगर, वहाँ आपको रेट लिस्ट वगैरह दिखाएंगे जो जो प्राइस में वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलती हैं। फर्स्ट चेक पॉइंट भगवती नगर के अंदर, ये लाइन में लगे हुए हैं चेकअप कराने के लिए। यहाँ पे रहना खाना फ्री होता है। बस ने हमको यहाँ उतारा है यात्री निवास। इधर से एंट्री के बाद इधर जाते हैं और इधर से एंट्री लेते हैं। ये अंदर का कुछ माहौल है और इधर हो रहा है प्रोग्राम, दिखाते हैं क्या प्रोग्राम हो रहा है। अंदर अभी डांस होने वाला है, थोड़ा सा डांस आपको दिखाएंगे। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ लेनी चाहिए जाने से पहले। बस चार्ज, ये बस के चार्जेस हैं। ₹50 में सोने की ऐसी व्यवस्था रहने वाली है, सब लोग ऐसे तो ऐसे गद्दे ले लेते हैं, ये यहाँ पे मिलते हैं। ₹50 में सब कुछ हो जाता है ये। और जब बस आपकी होती है आप जब निकल सकते हैं यहाँ से। हमारी बस 1 बजे की है। चार्जिंग फैसिलिटीज़ ऐसी होने वाली है। बड़ा साफ़ सुथरा और एसी वाला माहौल है यहाँ पे। ये देखिए एसी लगे हुए हैं, बहुत ठंडा ठंडा माहौल है। नाइट व्यू और 2 भंडारे लगे हुए हैं, हम आपको दिखाते हैं कौन कौन से 2 भंडारे चल रहे हैं इस समय। यहाँ से हमारी बस यात्रा स्टार्ट होगी, सारे लोग यहीं से बस लेंगे। अब हम अपनी बस ढूंढते हैं कहाँ पे हमारी बस खड़ी है। P27 है हमारा बस नंबर। बहुत मुश्किल काम है बस ढूंढना, हम इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, हमको बस 1 घंटे का टाइम मिला है। 1 घंटे बस ढूंढनी है तो बस चली जाएंगे, ऐसा मिलिट्री वाले ने बोला है। हमको जर्नी के लिए कुछ ऐसा टिकट मिला है, ये हमारा आज का टिकट है। ये देखो हम बस की छत पर चढ़ के सारा नज़ारा ले रहे हैं यहाँ का। बस को पहला स्टॉप मिला है, यहाँ से आर्मी वाले चलने स्टार्ट होंगे, इस वजह से हमें यहाँ पे रोक दिया गया है। सारी बसें यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, उसके बाद आर्मी वाले साथ चलेंगे। यहाँ हमारी बस रुकी है थोड़ी देर के लिए। यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा है। ये हमको सेवा के दौरान प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे जो लंगर लग रहा था, भंडारा हो रहा था।
दूसरी बार बस रुक चुका है भंडारे के लिए। इस बार का लंगर और भंडारा इस प्रकार है, मतलब यहाँ से पूरे लोग लगे पड़े हैं वहाँ तक, मतलब पूरा भीड़ भीड़ हो रखा है और ऊपर कितना प्यारा मौसम है। अभी के लंगर का ये प्रसाद है, क्या ये टिकरी है? बाबा का प्रसाद टिकरी, इसे टिकरी बोलते हैं। यहाँ पे खाने की नई नई चीज़ें जो हमारे यहाँ नहीं मिलती है। अब हम कश्मीर में एंटर हो रहे हैं और यहाँ हमें फ्री प्रोटेक्शन मिलेगी, यहाँ से कुछ किलोमीटर तक दुगनी हो जाएगी प्रोटेक्शन। हमारे बस के हालात 150 किलोमीटर चलने के बाद, हाई फाइव सिक्योरिटी मिलती है, ऐसे पीएम और सीएम को भी नहीं मिलती है। वहाँ से जहाँ से हम चले हैं वहाँ से लेके ऐसे ही आर्मी वाले खड़े हुए हैं, ऐसे देखिए, ये देखिए ऐसे, ये देखो, हमको अंबानी से भी तगड़ा प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये हर नाके पे, हर चौराहे पे आर्मी खड़ी हुई है जो किसी को क्रॉस नहीं करने दे रही है। ये देखो, ये आर्मी वाले खड़े हुए हैं, पूरे जीप वगैरह सब कुछ प्रोटेक्ट। ये देखो ये इनको अच्छा लगेगा अगर आप हाय हेलो या फिर सल्यूट करते हुए जाएंगे तो। जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया वहाँ से लेकर हमें यहाँ तक ऐसी सिक्योरिटी मिल रही है। देख रहे हो ऊपर की तरफ पहाड़ हैं, नीचे घास और इधर पानी और इधर ईटे ईटे और इधर बीच में एक हट। वाओ, मतलब कितना प्यारा जीवन होगा यार यहाँ। वाओ यार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यार, मिनी स्विट्ज़रलैंड। और बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद देखेंगे वहाँ तक का रास्ता कैसा रहता। हम पहलगाम पहुँच गए और ये पहलगाम का कुछ नज़ारा है। वो बेटे, व्हाट अ व्यू यार। रुक रुकाने के बाद हम पहलगाम पहुँचे, 2 बजे, 2 बज रहे हैं इस टाइम और हम पहलगाम में हैं। ये पहलगाम का नज़ारा है जहाँ पे बेस कैंप है। बेस कैंप से थोड़ा पहले रुक गए हैं और हम यहाँ पे स्नान विस्नान किया है अभी हमने, बड़ा अच्छा सा लग रहा है यहाँ पे, टाइम स्पेंड कर रहे हैं हम। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा व्यू है इस टाइम यहाँ का, सूरज भी निकल रहा है, सर के ऊपर पहुँच रहा है और पूरी तरह हम पहाड़ों से घिरे हुए हैं। बहुत प्यारा नज़ारा है यार, बहुत ज़्यादा। और ये बहुत बर्फ़ का पानी, मतलब क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा ठंडा पानी है ये, बहुत ज़्यादा, फिर भी मैं नहा लिया। यहाँ तक का तो आपने सफ़र देखा होगा कितना अमेजिंग रहा, बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। पूरे रास्ते में हमने पुलिस वालों को और आर्मी वालों को सल्यूट किया, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा और हमें भी बहुत अच्छा लगा। ऐसा करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, करके देखना, मैं तो बोलूँगा आप ज़रूर करना। मैं यहाँ तक का एक नॉर्मल सफ़र सोच रहा था, जब से मेरे को ये मिला ना, जब से बहुत अमेजिंग फील आने लगा। और यहाँ बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है, यहाँ पे एक आदमी ऐसे ही नॉर्मली नहीं आ सकता। मैं तो ऐसे ही नॉर्मली आ गया था, नॉर्मली का मतलब कि प्लान किए बिना। यहाँ पे अगर प्लान किए बिना आओगे तो बहुत ज़्यादा परेशान रहोगे। मेरा एक दिन में सब कुछ हो गया, पहले दिन मुझे पता नहीं था, दूसरे दिन मैंने पता किया और तीसरे दिन मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, पहलगाम। आज मेरा तीसरा दिन है यहाँ पर। जब हम वहाँ से निकले ना, पूरा ट्रैफिक क्लियर मिला, हर जगह हर 1 किलोमीटर के बाद आर्मी वाले खड़े थे जो हमारे लिए ये सब कर रहे थे। दिल से थैंक यू, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिल्कुल एक रॉयल फील आ रहा था, मतलब कि अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा था 2 मिनट के लिए। अभी आएगा सफ़र बाकी है, अब यहाँ से यात्रा स्टार्ट करेंगे हम आगे के लिए, लेकिन सही में बहुत रॉयल, बहुत तगड़ा फील आ रहा था। मैंने जम्मू कश्मीर विज़िट किया, यहाँ कुछ अलग ही बात है यार, मतलब सही में आप नज़ारा ही देख लो यहाँ का। अभी तो थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत ही घूमे समझ लो, अभी तो पूरा बाकी है, थे यात्रा बाकी है, यात्रा में अलग ही मज़ा आने वाला है, देखते हैं कैसी रहेगी। हमारी फेवरेट चीज़ राइट में है, पहलगाम बेस कैंप के अंदर का नज़ारा है। मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड अंदर छोटा मोटा मार्केट लगा हुआ है। ये भाई
वाह, हम पहले नहा रहे थे उसके बाद हम सीधा यहाँ पर आ गए। 700 रुपये के जी, कैसा कीवी है ये 700 रुपये के जी वाला? वो थोल ये ड्राई है, ड्राई के लिए आप सही क्या बात। ये कैसे है ये सर? सबसे महंगा ड्राई फ्रूट चिलगोजा, 1 किलो 1500 रुपये का। भैया ये वाला कैप कितने का है? अब आपको यहाँ के लंगर और भंडारे दिखाते हैं, क्या ही भंडारे हैं। आपको लग रहा होगा यहाँ पे मेला लग रहा है, बट यहाँ पे मेला नहीं लग रहा है, यहाँ पर लंगर हो रहे हैं। ये पूरे लेफ्ट राइट में जो दुकानें हैं सारी लंगर की हैं, रॉयल लंगर इसे कहते हैं, रॉयल लंगर। भाई बिल्कुल समझ रहे हो ना, ये सारी चीज़ें खाने की फ्री हैं। भाई यहाँ बनना है डोसा, वही लंगर वाला डोसा, और वहाँ मिलनी है इडली। भाई क्या ही मिल रहा है यहाँ, ये होता है भाई लंगर फास्ट फूड वाला। लंगर में पता है क्या मिल रहा है? मैक्रोनी प्लस मिक्स फ्रूट चाट। वाह कितना सही बना रहे हैं लोग, ये कोई नया ना, आप लोगों ने खाया नहीं है ना अभी तक? ये मैं पहली बार ये खा रहा हूँ, लंगर का प्रसाद। लंगर का प्रसाद, यहाँ तक का सफर अच्छा रहा। अब मिलते हैं नेक्स्ट सफर में, जो कि सीधा हम पहुँचेंगे बाबा के द्वार। हम कल को निकलेंगे सुबह सुबह बाबा के दर्शन करने के लिए। मोमोज भी हैं।